अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानहु तमाम इंसानों को सेहतयाबी से नवाजे। नाज़रीन कराम, 12 मई को दुनिया भर में नर्सिंग डे मनाया जाता है। नर्सिंग डे का असल मकसद क्या है कि नर्सिंग स्टाफ जो है, जो मेडिकल स्टाफ है, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए कि तीमारदारी में मरीज़ों की जिस तरह वो खिदमत करती हैं उनको अप्रिशिएट करना, उनकी खिदमात को सराहना। लेकिन आम तौर पे यहाँ या दुनिया भर में नर्सिंग डे के हवाले से रैलियाँ निकाली जाती हैं या छोटी मोटी तकरीबात होती हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ नर्सिंग डे के हवाले से बहरिया ऑडिटोरियम में मुर्शद हॉस्पिटल, मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़द किया, जिसमें कराची के तमाम हॉस्पिटल्स, खा वो प्राइवेट थे या वो सरकारी थे, उनके डॉक्टर्स ने, उनके असातिज़ा ने, उनके पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स ने भरपूर शिरकत की। पैरामेडिकल स्टाफ ने वहाँ टेबलो पेश किया, जिसमें मुख्तलिफ सूरत हाल में मरीज़ों की किस तरह देखभाल की जाती है, किस तरह उनका इलाज मुआलजा किया जाता है, वो सारा दिखाया गया। हंगामी हालत में जो मेडिकल स्टाफ का किरदार है उसको भी दिखाया गया कि उससे मेडिकल स्टाफ जो है किस तरह नबुर्दाजमा होता है। इसी तरह दीगर जो मामलात हैं उनमें भी उन्होंने बकायदा टैबलो के ज़रिए अपना इजहार किया। इस मौका पर असातिज़ा ने नर्सिंग के हवाले से तकारीर की और उन्होंने नर्सिंग की अहमियत को उजागर करने की भरपूर कोशिश की, जिसको शुरकाए में तकरीब ने बेहद सराहा। मुर्शद हॉस्पिटल ने एक, मैं समझता हूँ कि तारीख रकम की है और जिसका क्रेडिट जो है वो डॉक्टर काशिम महमूद साहब को जाता है कि जिन्होंने अनथक मेहनत करके इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया और इस हॉस्पिटल को जिस तरीके से वो चला रहे हैं और हर शोबे के लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं और स्किल्ड तरबियत याफ्ता जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है और उनकी ये बहुत बड़ी काविश है और ये वो काबिल तहसीन है इस बात पे कि उन्होंने जिस तरीके से इस प्रोग्राम का इनाकाद किया और उन्होंने जिस तरह आवाम को मोटिवेट करने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ी काविश है। और मैं समझता हूँ कि दीगर अदारों को भी उनकी इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर काशिम महमूद साहब जो इस हॉस्पिटल के सीईओ हैं, वो इस तरह के
उन्होंने कल इरादा किया है इस प्रोग्राम के आखिर में कि इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम मुनक़द करेगा। और ये वाज़ह रहे कि ये शोबा जो है इंतहाई मुक़दस शोबा है, ये बहुत मुक़दस शोबा है जिसको हम डॉक्टर्स कहते हैं, मसीहा कहते हैं। दूसरी जानब इस इवेंट के हवाले से होम टीवी का भी बहुत बड़ा किरदार है। होम टीवी जो मेडिकल शोबे को उजागर करने के लिए, लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, लोगों को आगाही फराहम करने के हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है वो यकीनन काबिले सताइश है। हमें हर उस शोबे की हौसला अफजाई करनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। और कोई भी शोबा खा वो छोटा हो बड़ा हो, वो बहरहाल इंसानियत से मुंसलिक है। हमें चाहिए कि उस शोबे की बाकायदा हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये लोग हैं तो हम हैं, हम हैं तो पाकिस्तान है। तो लिहाजा जो मुर्शिद हॉस्पिटल का जहाँ तक किरदार है वो आपके सामने है। मुर्शिद हॉस्पिटल वाकई काबिले तहसीन है और हमारी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियों कामरानियों से नवाजे।